हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग का हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट जो खेला जाएगा गुयाना अमेज़न वॉरियर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच। ये है 10th मैच जो होगा डेविन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। भाई दो मैचेस इस ट्रैक पर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं सीजन के, जहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम एक बार जीती है और रन चेस करने वाली टीम भी एक बार जीती है। हाईएस्ट स्कोर है बारबाडोस रॉयल्स का 194 रन 4 विकेट पर और लोएस्ट स्कोर है ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का 51 रन फॉर 7 विकेट्स। अब दोस्तों यहां पर दोनों ही मैचेस जो खेले गए हैं उनमें 150 प्लस का स्कोर किया गया है, तो ऐसे में एक बार फिर एक हाई एंड पर स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, भाई 25 विकेट दो मैचेस में लिए जा चुके हैं। पेसर्स की झोली में गिरे हैं 20 विकेट, तो स्पिनर्स ने चटकाए हैं 5 विकेट। ये डिफरेंस दर्शाता है कि यहां पर दोनों टीम्स के पेस अटैक पर काफी चीजें निर्भर करेंगी। अब बारी आती है हेड टू हेड कंपैरिजन की। भाई गुयाना अमेज़न वॉरियर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच टोटल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जहां वॉरियर्स 10 बार जीते हैं और पेट्रियट्स ने मात्र 5 बार जीत दर्ज करी है। अब दोस्तों ये तो हुआ अभी तक का जायजा, बढ़ते हैं दोनों टीम्स की करंट पोजीशन पर। भाई बात करी जाए गुयाना अमेज़न वॉरियर की, तो दो मुकाबले इनके नाम रहे हैं जहां इन्होंने एक मैच हारा है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। पॉइंट्स है इनके एक और नेट रन रेट है -0.297 का और पोजीशन है इनकी सबसे लास्ट। वहीं सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स ठीक एक स्थान ऊपर नजर आती है। 4 मैचेस इनके हो चुके हैं, 2 हारे हैं, 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। पॉइंट्स है इनके 2, नेट रन रेट है -1.766 का, यानी कि नेट रन रेट के मामले में सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स गुयाना अमेज़न वॉरियर्स से और नीचे नजर आती है। दोस्तों अब नजर डालते हैं कि आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी और गिने चुने वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई गुयाना अमेज़न वॉरियर्स की तरफ से दोस्तों हमें डिसेंट लाइनअप नजर आता है। चंद्रपॉल हेमराज, पॉल स्टर्लिंग, शे होप, शेवरॉन हिटमायर, हेनरिक क्लासेन, ओडियन स्मिथ, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, गुडाकेश मोटी, इमरान ताहिर और तबरेज शामजी हमें खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों गेंदबाजी में तो हमें ठीक नीचे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, गुडाकेश मोटी, इमरान ताहिर और तबरेज शामजी। यहां गुडाकेश ने एक मैच में 2 विकेट लिए हैं, इमरान ताहिर के नाम 1 विकेट रहा है और तबरेज शामजी ने भी 1 विकेट अपने नाम किया है। ऑन दी अदर हैंड अगर बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर भी थोड़े से संकट के बादल दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रपॉल हेमराज कुछ अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए नहीं है, पॉल स्टर्लिंग का भी बल्ला बोलता नजर नहीं आया है। वहीं शे होप ने मात्र 1 मैच में 25 रन बनाए हैं और इन्हें डिसेंट सपोर्ट मिला था शेवरॉन हिटमायर का, जो कि 39 रन बनाने में सक्सेसफुल थे, अलॉन्ग विद रोमारियो शेफर्ड जिन्होंने मिडिल ऑर्डर संभाला था, 36 रन बनाए थे इन हिज फर्स्ट मैच। तो दोस्तों ये हैं वो कुछ खिलाड़ी जो कि गुयाना अमेज़न वॉरियर्स की तरफ से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक यहां पे कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखाई देते हैं जिसके चलते वॉरियर्स एक मच बैलेंस टीम नजर आती है एज फार एज सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स इज कंसर्न। अब भाई नजर डाल लेते हैं सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स पर। आंड्रे फ्लेचर, डिवॉल्ट ब्रेविस, टेरेन ब्रावो, शर्फिन रदरफोर्ड, ड्वेन ब्रावो, जोशुआ डिसिल्वा, ड्वेन प्रिटोरियस, ड्वान जेंसन, जेडन कार्मिकेल, अकीला धनंजय और शेल्डन कॉटरेल हमें खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी नजर आती है एज फार एज दी बॉलिंग अटैक इज कंसर्न, क्योंकि काफी हद तक दारोमदार ड्वेन ब्रावो और ड्वेन प्रिटोरियस पर आता नजर आता है। ब्रावो के नाम रहे हैं 2 मैचेस में 3 विकेट, तो प्रिटोरियस ने 2 मैचेस में 1 विकेट लिए हैं। अब यहां जेडन कार्मिकेल ने भी 2 मैचेस में 1 विकेट अपने नाम करें, तो यही 3 गेंदबाज हैं जो कि कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं। अब अगर टीम को जीत दर्ज करनी है तो यहां पर अकीला धनंजय और शेल्डन कॉटरेल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को विकेट निकालनी होगी। बल्लेबाजी पर अगर फोकस करें तो दोस्तों वंस अगेन यहां पर टॉप ऑर्डर में आंड्रे फ्लेचर ही रन बनाते नजर आए हैं, 2 मैचेस में इन्होंने 112 रन बनाए हैं। वहीं इनके सपोर्ट में शर्फन रदरफोर्ड 2 मैचेस में 42 रन बना पाए हैं। तो दोस्तों ये 2 बल्लेबाज हैं जो कि रन स्कोर करते नजर आए हैं, फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स का बैटिंग लाइनअप उतना ज्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आता है। अब भाई बारी आती है कि आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, तो दोस्तों डेफिनेटली गुयाना अमेज़न वॉरियर्स यहां पर अपना पहला मुकाबला जीतती नजर आ रही है, क्योंकि दे आर मच बैलेंस टीम, दे हैव बैटर्स एंड बॉलर्स जो कि सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। आपके अकॉर्डिंगली कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है और कौन सा होगा वो बल्लेबाज जो बनाएगा सबसे ज्यादा रन, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।